3 मई से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि एक दिन में 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा नहीं करेंगे। बद्रीनाथ धाम के लिए परमिट हर बार की तरह इस बार भी जोशी मठ के SDM ही जारी करेंगे। अपनी इस खास सीरीज में आज हम आपको बता रहे हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। यह चमोली जिले में पड़ता है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह मंदिर बेहद प्राचीन है। इसे भारत के चार धामों में पहला स्थान प्राप्त है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ उनकी जो प्रतिमा लगी है वह 3 फीट 3 इंच की है। माना जाता है कि इस प्रतिमा को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के करीब स्थापित किया था। लोग मानते हैं कि यह प्रतिमा खुद ब खुद निकली थी। इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण में भी मिलता है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारा जाता है और विष्णु जी को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में यह जिक्र है कि बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र एक समय में शिव भूमि अथवा केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब राजा भागीरथ के प्रयास से गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई। जो धारा इस स्थान से बह रही थी वह अलकनंदा के नाम से जानी गई। अलकनंदा नदी का आज भी वजूद है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थल की खोज कर रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही रमणीय लगा। वह उनके मन को भा गया। तब नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और कंदरन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बालक को मनाने का प्रयास किया। तब बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण। नर और नारायण ने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला। पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। इस मंदिर में प्रातःकाल महाअभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा होती है। शाम को गीत गोविंद और आरती का आयोजन किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों के निर्मल्य दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होती है। आपको यह परमिट जोशी मठ के SDM देते हैं। यह परमिट तब मिलती है जब आप चार धाम यात्रा के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल www.uttarakhandtourism.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन के बगैर आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं जहां से आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। पहला रास्ता है रानीखेत से, दूसरा रास्ता है कोटद्वार होकर पौड़ी से और तीसरा रास्ता है हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये 3 रास्ते कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग पंजाब के फाजिलका से शुरू होकर हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के
पावाटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। बेशक अभी देश भर में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान है, पर बद्रीनाथ में यह तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा आप जब वहां जाएं तो गर्म कपड़े जरूर ले जाएं। चूंकि बद्रीनाथ की यात्रा कठिन है, इसलिए एक बार यात्रा शुरू करने के पूर्व अपने शरीर का मेडिकल चेकअप भी करा लें। अगर डॉक्टर आपको अनुमति दे तभी जाएं, अन्यथा प्रोग्राम कैंसिल कर दें। आमतौर पर माना जाता है कि जो भी लोग बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आपके मन में प्रभु के प्रति समर्पण का भाव हो। अगर यह भाव नहीं तो यात्रा बस टूर भर ही साबित होगी। लाइफ सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।